हाजरीन ग्रामी कदर, अल्लाह का नाम लेकर आज से हम कुरान का मतलूब इंसान कोर्स का आगाज कर रहे हैं। मैं कोर्स इससे पहले भी सन 2015 में पढ़ा चुका हूं, लेकिन उस वक्त पेश नजर यह था कि जो लोग मुझसे सामने बैठकर इस कोर्स को पढ़ना चाह रहे हों, या फिर ये कि ऑनलाइन कुछ लोग शरीक होते थे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, पेश नजर उन्हीं लोगों को इस कोर्स की तदरीस करना था। उसमें ज़मीनी तौर पर बाज़ अहबाब ने अपने मोबाइल्स पर इस कोर्स की कुछ रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, और फिर उसके बाद यही वो रिकॉर्डिंग है जो हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे। लोगों ने इस कोर्स को बहुत पसंद किया और अल्लाह ताला की फजल से, उसकी इनायत से बहुत लोगों ने इस कोर्स को किया, लेकिन उनकी तरफ से ये कंप्लेन हमेशा से रही कि रिकॉर्डिंग का मियार अच्छा नहीं है। और फिर ये इसरार किया गया कि मैं इस कोर्स को दोबारा पढ़ाऊं, और जिस तरह अब जो कोर्सेज मैं करा रहा हूं उनकी रिकॉर्डिंग का एक अच्छा इंतजाम होता है, कम से कम ऑडियो की सतह पर आवाज बिल्कुल वाज़ह तौर पर लोग सुन सकते हैं, तो इसी तरह इस कोर्स को मैं दोबारा पढ़ाऊं। यह अरसे से तकाजा था, तो इस रमजान में मैंने फैसला किया कि मैं इस कोर्स को कराऊंगा। असलन तो ये कोर्स मैं अपनी फैमिली के लिए करा रहा हूं, लेकिन इसी के साथ साथ इसी पस मंजर में मैं चाह रहा हूं कि इसको रिकॉर्ड भी कर लिया जाए और फिर बाकी लोग भी इससे इस्तेफादा कर सकें। इसमें जो चीज मुझे खास तौर पर इस वक्त वाजे करनी है वो ये कि पहली क्लास इस कोर्स की एक तारुफी क्लास थी जब इब्तिदा में यह कोर्स कराया गया था, जिसमें मैंने इस कोर्स का पस मंजर बयान किया था, इस कोर्स की अहमियत को बयान किया था, वो क्या प्रॉब्लम है जिसकी बिना पर इस कोर्स की बहुत ज्यादा और गैर मामूली एक अहमियत है, और इस कोर्स को करना क्यों जरूरी हुई है, ये सारी बातें मैंने उसमें बयान की थी। और ये वो गुफ्तगू थी जिसको इब्तिदा में जब मुझसे इसरार किया गया था, तो मैंने एक वक्त में ये तय किया था कि मैं इस कोर्स को पूरा कराऊंगा, और पहला लेक्चर मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया था। तो ये वो लेक्चर है जो इस वक्त भी मौजूद है, और ये जो मेरी इस वक्त की गुफ्तगू है इसके बाद आप उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकेंगे। गर्चे उस रिकॉर्डिंग की मौजूदगी में मुझे जरूरत नहीं है कि मैं मजीद कुछ तारुफी गुफ्तगू करूं, लेकिन मेरा यह एहसास है कि कुरान मजीद की अजमत इतनी गैर मामूली है कि वो उस इब्तदाई गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बन सकी, और मैं ये चाहता हूं कि इस इब्तदाई गुफ्तगू में कुरान मजीद की अजमत के कुछ ऐसे पहलू आपके सामने रखूं जिनका समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसकी जो अहमियत है वो ये है कि अल्लाह ताला खुद ये बताते हैं कि उनकी नजर में कुरान मजीद क्या है, और अहमियत इन चीजों की यह है, कुरान मजीद की इन बयानात की यह है कि ना सिर्फ ये कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला कुरान मजीद की अपनी अहमियत और हैसियत को बयान कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो चीज आपके सामने आएगी कि मजहब के नाम पर जो कुछ भी इस वक्त दुनिया में मौजूद है, ये बात अल्लाह ताला ने किसी और के मुतालिक नहीं कही। यानी जिस तरह अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, इसी तरीके से कुरान मजीद जो अल्लाह ताला की सिफत कलाम का जहूर है, उसकी अहमियत को कुरान मजीद ने इस तरह वाजे किया है कि उसके मुतालिक इंतहाई गैर मामूली गुफ्तगू की है जो आज मैं आपके सामने रखूंगा, और किसी और चीज के मुतालिक अल्लाह ताला ने ये गुफ्तगू नहीं की। यहां से आप ये समझ सकेंगे कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की नजर में कितनी गैर मामूली किताब है, और मैं हमेशा तवज्जो दिलाता हूं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला का बुनियादी मुकदमा इंसानियत के खिलाफ ये होगा, और खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ ये होगा कि तुम्हारे पास मेरा कलाम मौजूद था और उसकी अहमियत के बारे में ये कुछ मैंने किताब में, कुरान मजीद में, किताब इलाही में खुद बयान किया था, इसके बावजूद तुमने उसकी अहमियत को नहीं समझा, उसकी तालीमात को अपनी जिंदगी नहीं बनाया, उसके रंग में अपने आप को नहीं रंगा, तो अपना सर आज खुद ही पीटो, तुमने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। तो अल्लाह की हम पनाह मांगते हैं कि इस अंजाम से हम दोचार हों, और उसका तरीका यही है कि कुरान मजीद की हम अजमत को समझें, उसके मुकाम मर्तबे को समझें, और अपनी जिंदगी कुरान मजीद के मुताबिक ढालें। चुनाचे आज की इस गुफ्तगू में इंशाल्लाह मैं आपके सामने कुरान मजीद के वो बयानात रखूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं उससे पहले मैं ये बात वाजे करूं, बड़ी अहम बात है, ये जो मैंने अभी जुमला आपके खिदमत में रखा है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की सिफत कलाम का जहूर है, इसकी अहमियत को थोड़ा सा वाजे कर दूं। देखिए, मेरा एक नॉवल है जिसका नाम मैंने रखा है खुदा बोल रहा है। तो कुरान मजीद असल में क्या है, अल्लाह ताला है जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू है हमारे सामने जो इस वक्त मौजूद है। और ये बात समझ लीजिएगा कि अल्लाह ताला की हस्ती, अल्लाह ताला की जात
हर तरह की मादियत से बुलंद है, इसलिए कि मादियत के अंदर महदूदियत होती है और अल्लाह ताला हर महदूदियत से बुलंद है और पाक है। तो अल्लाह ताला की जात और सिफात जो है किसी मादी पैमाने पर हम उसे महसूस नहीं कर सकते, वो बुलंद है, बहुत बुलंद है। यानी इसको यूं समझें कि जिस तरह मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, इसी तरीके से आप और मैं जब एक दूसरे को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सामने वाला हमें देख रहा है। अल्लाह ताला की जो जात है उसका इस तरह मादी सतह पर कोई भी इदराक नहीं कर सकता, यानी उसकी सिफात का इदराक भी नहीं कर सकता। इसमें एक ही इस्तिस्ना है, यानी मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं उसको समझ लें, अल्लाह ताला देखते भी हैं लेकिन अल्लाह ताला कैसे देख रहे हैं हमें पता नहीं चल सकता। अल्लाह ताला सब सुनते भी हैं लेकिन वो कैसे सुनते हैं हमें पता नहीं चल सकता। अल्लाह ताला कलाम भी फरमाते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, जाहिर है कि फरिश्तों को अहकाम देते हैं, तो हम नहीं जान सकते कि अल्लाह ताला ये गुफ्तगू किस तरह करते हैं। लेकिन कुरान मजीद की शक्ल में हमारे पास एक जरिया है जो हमें दे दिया गया है जिससे हम ये जान सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जब गुफ्तगू की आखिरी दफा, आसमान ने जब जमीन से कलाम किया तो वो किस तरह उन्होंने गुफ्तगू की। और जिस तरह इस पर मैं दूसरे लेक्चर में बड़े तफसील से ये बात बयान कर चुका हूं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला के अपने अल्फाज मौजूद हैं, यानी हुजूर के मुंह में अल्लाह ताला ने अपना कलाम डाला है, यानी मफहूम बयान नहीं किया अल्लाह ताला की बात का हुजूर ने, बल्कि जो कुछ उनका इरशाद था वो बेऐन ही हमारे पास मौजूद है। इस पर बहुत तफसील मैंने दूसरे लेक्चर में की है, वहां आप उसे सुन लीजिएगा। लेकिन जो बात मैं तवज्जो दिला रहा हूं कि देखिए अल्लाह ताला से, जैसे कि मैंने अर्ज किया था कि किसी मादी पैमाने पर अल्लाह ताला की हस्ती को, उसकी सिफात को महसूस नहीं किया जा सकता, कुरान मजीद इससे वाहिद इस्तिस्ना है। कुरान मजीद जिस वक्त आप अपने हाथों में उठाते हैं, उसे खोलते हैं, तो जो अल्फाज आप पढ़ते हैं ये अल्लाह ताला का अपना कलाम है। उन्होंने इंसानी जबानों के नहीं बल्कि एक ही जबान के, अरबी जबान के अल्फाज को इस्तेमाल किया और फिर गुफ्तगू की है उन्होंने। तो अब आप इस पस मंजर में जब कुरान मजीद को हाथ में उठाएं तो आपकी फीलिंग क्या होनी चाहिए? मैं समझता हूं जो मेरी फीलिंग होती है कि जिस वक्त मैं कुरान मजीद को हाथ में उठाता हूं तो मैं महसूस करता हूं कि खुदा से मेरा एक जिंदा ताल्लुक कायम हो गया, मेरे रब ने कलाम किया है, वो कलाम मेरे सामने मौजूद है। जिस वक्त मैं कुरान मजीद को आदतन चूमता हूं, ये बचपन से मेरी आदत है, जिस वक्त मैं चूमता हूं और अब शोर की जिंदगी में पहुंचने के बाद जाहिर है कि इस तरह की बहुत सी चीजें जो बचपन से हम करते आ रहे थे उनको हम रिविजिट करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, बहुत चीजों को छोड़ा है, इसको नहीं छोड़ा। आज भी चूमता हूं, आंखों से लगाता हूं, सर पर रखता हूं और सीने से लगाता हूं। जिस वक्त सीने से लगाता हूं तो महसूस ये होता है कि अपने रब से मैं निपट चुका हूं। इसको मतलब ये मत ख्याल कीजिएगा कोई मादी तौर पर मैं इस चीज को बयान करूं, ये एहसास की सतह पर एक चीज का बयान है। अल्लाह ताला की हस्ती बुलंद है, पाक है, कि ऐसे किसी तसव्वुर से, लेकिन हम इंसानों की यह जरूरत है कि हम अपने रब से एहसास की सतह पर मुतालिक हों। चुनाचे हमारी तस्कीन का एक एहतमाम तो यह कर दिया गया है कि अल्लाह ताला ने अपने शाये मुकर्र किए, खासतौर पर बैतुल्लाह हराम, हम जब हरम जाते हैं और खाना काबा का तवाफ करते हैं उससे निपटते हैं, अल्लाह ताला ने यह एहसान भी इस गुनाहगार पर किया, बरसा बरस में वहां रहा हूं, घंटों तवाफ किया है, अनगिनत दफा में गया हूं, तवाफ करना, हरम से लिपटना, उसे बोसा देना, हजरत अस्वद का बोसा देना, ये बड़ी गैर मामूली इनायत है और ये इसी जज्बे की तस्कीन के लिए एहतमाम किया गया है। तो या तो हरम इसकी तस्कीन का कोई एहतमाम कर सकता है, या अगर आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस घड़ी चाहें, जिस लम्हे चाहें, कुरान मजीद को हाथों में उठाएं, कुरान मजीद का बोसा लें, उसे अपनी आंखों से लगाएं, उसे अपने सीने से लगाएं, आपको अल्लाह ताला के साथ एक ऐसा ताल्लुक महसूस होगा जैसा ताल्लुक आप किसी और जरिए से हासिल नहीं कर सकते। देखिए ये हमारी जरूरत होती है, ये इंसानी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि मेरी मां मेरे सामने हो और मैं उसके हाथ छूंगू, मैं अपने बाप से निपट जाऊं, ये इंसानी जरूरत है। अल्लाह ताला जहर के बुलंद है, हर तरह की मादियत से बुलंद है। ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि अल्लाह ताला से इस नौयत का कोई रब्त इत्तिसाल हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये कलाम जब किया, उसकी सिफत कलाम का जब जहूर हुआ, तो बहरहाल उसका एक अक्स हमारे सामने कुरान मजीद की शक्ल में मौजूद है। तो आप कुरान मजीद से यहां से ताल्लुक पैदा करें और आपका दिल इत्मीनान की एक अजीब कैफियत से भर जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप कुरान मजीद को समझकर पढ़ना शुरू करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आपका आका, मेरा आका हमसे गुफ्तगू कर रहा है। तो ये एक बात थी जो बड़ सबीले
تمہید کہہ لیجئے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، یہ احساس کی صدا کی ایک بات ہے اور آپ اسے کر کے دیکھیے گا. میرا تو تجربہ ہے کہ ایمان کی زندگی کا شاید اس سے مؤثر ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نہیں دیا، قرآن مجید کی شکل میں اس نے ہمیں یہ دے دیا. اب آئیے وہ بیانات ہم لیتے ہیں جو قرآن مجید میں ہیں اور خود قرآن مجید کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلا جو بیان ہے وہ خود قرآن مجید کے بالکل آغاز میں، قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے جو ایک نوعیت کا ابتدائی ہے، پریفیس ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید میں ہے کیا. بتا دیا گیا ہے کہ خدا واحد کا یہ تعارف ہے، اس کی صفات کا ذات کا یہ تعارف ہے، ہدایت کا وہ راستہ ہے جس پہ چلنے والوں کے لیے انعام ہے، اور یہ درخواست انسانوں کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پہ چلائیں جس پہ چلنے والوں پہ انعام ہوا، اور اس راہ سے بچائیں جس پہ چلنے والوں پہ غضب کیا گیا اور جو گمراہوں کا راستہ ہے. اس کے جواب میں پھر ہدایت کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، تو پہلی جو آیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ قرآن مجید کی پہلی آیات میں سے، یعنی دوسری آیت ہے، پہلی تو الف لام میم ہے، سب سے مارکۃ الآرا آیات میں سے ایک آیت ہے. اس کی تفصیل اتنی کی جا سکتی ہے کہ کچھ حد نہیں، اور یہ ہمارے ان مقامات میں سے بھی پہلا مقام ہے جو قرآن کا مطلوب انسان میں شامل ہے. تو اسی کی روشنی میں میں قرآن مجید کی اہمیت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے پہلی بات اس میں جو کہی گئی ہے، ترجمہ سمجھ لیجیے، ذالک الکتاب، یہ الکتاب ہے. الکتاب کا مطلب کیا ہے؟ کتاب الہی. یعنی الف لام کا مطلب یہ ہے کہ یہ، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر اسے کہیں تو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے. قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے کہ یہ الکتاب کتاب الہی ہے، کلام الہی ہے. اور اس کے بعد جو اگلی بات آ رہی ہے اصل میں یہ ہے وہ بات جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید نے دیگر مقامات پر اس کو کھول دیا. مثال کے طور پر سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. وہاں پہ بالکل سیم آغاز ہوا، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس کتاب کا نزول، اس کا نازل کیا جانا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب العالمین کی طرف سے. یعنی اصل میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں. سورہ یونس میں بھی یہ بات آیت 37 میں کہی گئی ہے، جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کسی انسان کی تصدیق نہیں ہے. خاتمہ وہاں پہ یہاں پہ ہو رہا ہے سورہ یونس کی آیت 37 میں، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو جس وقت آپ قرآن مجید کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل و دماغ سے شک کا ہر کانٹا نکال دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ بلا شک و شبہ میں تم سے مخاطب ہو چکا ہوں، ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے رب کا کلام ہے. اور دیکھیے جو اس میں بڑی اہم بات ہے کہ دیگر مقامات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جیسے سورہ سجدہ کا کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ اس کتاب کا نازل کرنا، اس کا نازل ہونا اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ بس تو تورات کا بھی ہے، انجیل کا بھی ہے، خود اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر اس کو واضح کیا ہے. لیکن یہاں پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلا مقام ہے تنزیل کا لفظ ہی نہیں لایا، وہاں پر مجمل طور پر ایک بات کہی گئی ہے کہ یہ کتاب الہی ہے اور اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب یہ کہ تورات نازل تو کتاب الہی کے طور پہ ہوئی تھی لیکن اس میں ٹیمپرنگ ہو گئی، انجیل کے اندر ٹیمپرنگ ہو گئی، تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، لیکن قرآن مجید آج کے دن تک وہی ہے، حرف بحرف وہی ہے. یعنی جس وقت ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے سامنے اللہ ہی کا کلام ہوتا ہے، اصل الفاظ میں موجود ہوں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مذہب کی تاریخ میں قرآن مجید کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کی یہ حیثیت ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کے لفظ لفظ کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کی بات ہے. اس کی پھر بہت تفصیل کی ہے قرآن مجید نے، جو کہ بہت اہم مضمون ہے، اور یہ سمجھیے اس کے اوپر، اس کی بنیاد پہ نبوت کو ختم کیا گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطب ہو چکے ہیں، اس سے پہلے نبی آتے تھے، اب اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور قیامت تک مخاطب رہیں گے. چنانچہ اس کی تفصیل کی گئی ہے سورہ شورا میں، اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر بتاتے ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین نے بہت اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے، اہتمام کے ساتھ اتارے گیا کلام ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. کس طرح نازل ہوا ہے؟ نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ،
حضرت جبرائیل علیہ السلام روح الامین اسے لے کر نازل ہوئے علی قلبی کلی تکون من المنذرین، آپ کے قلب اثر پر تاکہ آپ انذار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے، کیسے نازل کیا ہے، جبریل امین کے ذریعے سے۔ اور یہ ہستی کون ہے؟ سورۃ تکویر میں اس کا تعارف کرایا گیا، حضرت جبرائیل کا بتایا گیا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ ایک انتہائی عزت والے فرشتے کا کلام ہے۔ یعنی اب قرآن مجید کو حضرت جبرائیل کا کلام اللہ تعالیٰ اس پہلو سے قرار دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ پاتے ہیں اور پھر وہ لے کے آتے ہیں، اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، انتہائی طاقتور ہیں اور عرش والے کے نزدیک بڑے بلند مرتبہ، بڑے صاحب حیثیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ان کا بڑا مقام ہے۔ مطائن، ہر جگہ ان کی اطاعت ہوتی ہے۔ سمامین، اور پھر امانت دار بھی ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ بتائی جا رہا ہے، بات جو بتائی جا رہی ہے، جو قریش کی طرف سے ایک بات کہی جاتی تھی کہ شیاطین کا یہ کلام ہے، یا ان کی دراندازی کا اس میں امکان ہے، یا ان کی طرف سے تصنیف کردہ کلام ہے، ان کا الہام ہے معاذ اللہ۔ تو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ بھئی اس کو جو فرشتہ لے کے آتا ہے وہ انتہائی طاقتور ہے، وہ جہاں چلا جائے شیاطین تو اس کی آہٹ کے اوپر ہی بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی وہ اتنا طاقتور، اتنا بلند مرتبہ ہے، اتنا صاحب حیثیت ہے، اور وہ ایک سردار ہے، متعین، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کے جنوں میں فرشتے ہوتے ہیں۔ تو شیاطین کی مجال ہی نہیں کہ وہ کسی قسم کی دراندازی کر سکیں اور اس میں دخل دے سکیں۔ تو قرآن مجید نے پھر جنوں کی زبانی بھی یہ بات بیان کی ہے کہ ہم تو یہ کام کرتے تھے، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُعُبًا، ہمارا تو کام یہ تھا کہ آسمانوں کو ہم ٹٹولتے تھے، اور وہاں پر ہم، یعنی شیاطین کا یہ کام ہوتا تھا کہ یہ ایک پورا سسٹم ہے، اس کی تفصیل کا ظاہر ہے کہ یہ موقع نہیں ہے کہ آسمان سے جب اللہ تعالیٰ کے احکام فرشتوں تک آتے ہیں تو جن جو ہیں ان کی پہنچ وہاں تک ہوتی ہے، یعنی وہ اس دنیا سے نسبتاً قریب ہیں، اس طرح وہ غیب میں نہیں ہے جس طرح ہم انسان ہیں، تو وہ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کام کر رہے تھے وہ، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم تو یہ کر رہے تھے، ٹٹول رہے تھے، لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ آسمان کو تو اب زبردست قسم کی نگرانی ہو رہی ہے وہاں پہ، اور شہاب ثاقب کی بارش ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اس سے پہلے تو یہ تھا کہ ہم آسمانوں پر ٹھکانوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ سنگن لینے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن اب کیا ہو گئے؟ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اب اگر کچھ سنگن لینے کی کوشش کریں تو گھات میں اپنے پاتے تھے کسی شہاب ثاقب کو، یعنی ٹھیک ہمیں مارا جاتا تھا اور ادھیڑ کے ہمیں نکال دیا جاتا تھا وہاں سے۔ تو یہ زبردست قسم کی نگرانی کا اہتمام تھا، ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے اہتمام میں دی گئی کسی چیز میں کسی قسم کی ٹیمپرنگ کی جائے، دوسری طرف عمومی طور پہ زبردست قسم کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ یعنی پیچھے سے بھی قرآن کی حفاظت کا انتظام ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تو قرآن مجید کی حفاظت کا بھرپور انتظام ہے۔ انہ لکتاب عزیز، سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک زبردست کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ وہ کتاب عزیز ہے کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تو پیچھے سے کی تفصیل تو ہو گئی، اب آگے کی تفصیل بھی سن لیجئے، اور میں دیکھیے توجہ بار بار دلا رہا ہوں، یہ تفصیل میں کیوں بتا رہا ہوں؟ قرآن مجید کے علاوہ کسی کلام کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، اس لیے یہ بات دہرا رہا ہوں، اس لیے یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ تو قرآن مجید کے متعلق جو اس کی حفاظت کا پھر حضور سے، یعنی یہ تو حضور سے پہلے کا اہتمام تھا، وہ تھا حضور سے آگے انسانیت تک کیا اہتمام کیا گیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت کا طریقہ کیا تھا؟ حضور کو بتا دیا کہ ابتدا کے اندر حضور چاہتے تھے کہ قرآن جلدی جلدی آئے، جلدی جلدی حضور یاد کر لیں تاکہ لوگوں تک وہ پیغام پہنچایا جائے، اپنی قوم کی ہدایت کا بندوبست کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توجہ دلائی، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اے نبی اس قرآن کو جلد پا لینے کے لیے تم اپنی زبان کو اس پر نہ چلاؤ، ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھو یہ تو ایسے ہی اترے گا، تو اس کا جمع کرنا اور سنانا سب ہماری ذمہ داری، آپ پریشان نہ ہو، ہم ایسے ہی اتاریں گے اسے اور پھر اس کو ہم جمع بھی کر دیں گے اور پھر ہم اسے تمہیں سنائیں گے بھی۔ اس لیے جب ہم
उस वक्त आखिर में इसको पढ़ें तो उसी कुरान की पैरवी करना, और फिर हमारे ही जिम्मे है कि हम इसकी वजाहत करें। जो हिफाजत का एहतमाम अल्लाह ताला ने किया है उसकी तफसील यह है कि कुरान मजीद थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता था, और फिर आखिर में जब दीन गालिब हो गया, पूरे सरजमीन अरब के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो आखिरी जो रमजान आया उसमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, जिसे अर्ज अखीरा कहते हैं। दो दफा कुरान मजीद की करत हुई, एक दफा हुजूर ने सुनाया, एक दफा हजरत जिब्राइल ने सुनाया, और फिर इस तरीके से जो कुछ भी कुरान मजीद की फाइनल शेप लानी थी वो उस मौके पर फाइनल शेप करके हजरत जिब्राइल ने हुजूर को दी, और फिर हुजूर ने वो उम्मत को आगे मुंतकिल की। फिर यही वो कुरान है जो इजमा और तवातुर से उम्मत की अगली नस्लों में मुंतकिल हुआ, और इसके साथ फिर इसकी हिफ्ज़ का भी पूरा इंतजाम था। सनुकरियु का फला तंसा, ये सूरह आला में जो अल्लाह ताला ने हुजूर से शुरू में एक बात बता दी थी कि हम तुम्हें पढ़ा देंगे, अब भूलेंगे नहीं इसे, तो कुरान हुजूर को याद कराया गया। और फिर हुजूर की पैरवी में सहाबा किराम की एक बड़ी तादाद ने कुरान मजीद को या तो पूरा याद किया या कुरान मजीद का कुछ ना कुछ हिस्सा याद किया, इसलिए कि तहज्जुद में भी बड़ी तादाद में सहाबा किराम उठते थे, हुजूर के साथ कुरान पढ़ते थे, और तहज्जुद की नमाज पूरी रात की नमाज होती थी, या निस्फ शब की या एक तिहाई शब की, तो उसमें तवील कुरान पढ़ा जाता है, तो वो जबानी याद करके पढ़ते थे। इसी तरीके से हर नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, और नमाज सबसे बड़ी इबादत है, और नमाज में कुरान जो है वो तो रुकन आजम है, तो कुरान मजीद ज्यादा से ज्यादा लोग याद करते थे ताकि नमाजों में पढ़ सकें, तो ये भी हिफाजत का पूरा इंतजाम किया गया था। ये पॉजिटिवली एक काम किया गया, और एक काम नेगेटिवली, यानी नेगेटिवली खास मफहूम में मैं कह रहा हूं कि कुरान मजीद के अलावा किसी और चीज की हिफाजत का ये बंदोबस्त नहीं किया गया। यानी हुजूर ने एक तो दीन देना था ना हुजूर को, तो कुरान मजीद दिया, इसी तरीके से सुन्नत हुजूर ने पूरा जो दीन का अमली ढांचा है मुंतकिल किया, उम्मत को सिखाया है, एहतमाम के साथ सिखाया है, और हज्जतुल वदा के मौके पर तो पूरे अरब को बुला लिया था कि सब सीख लो, चनाचे ये जो आपकी नमाज है, रोजा है, हज है, जकात है, ईद उल अजहा है, ईद उल फितर है, ये जो पूरा दीन का समझिए अमली ढांचा है, रसूम है, आदाब है, इसकी बड़ी तफसील है, इस वक्त मौका नहीं है, ये सब हुजूर ने सिखाया है, कुरान मजीद में उसको तलाश ना करें, ये कुरान मजीद में नहीं है, ये हुजूर ने प्रैक्टिकली समझाया, इसलिए कि हुजूर ही दीन का माखज़ है, तन्हा माखज़ है, कुरान भी वही देते हैं, सुन्नत भी वही देते हैं, तो पूरा दीन का प्रैक्टिकल ढांचा हुजूर ने डेमोन्स्ट्रेट किया, सिखाया और दे के गए हैं। लेकिन टेक्स्ट के तौर पर हुजूर ने जो चीज दी है वो कुरान मजीद है, और इसके अलावा कोई चीज नहीं दी, हत्ता कि आपने जो आपकी अपनी शरौ विजात थी, दीन समझाने का अमल था, जो अपनी जात में बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है, बड़ा गैर मामूली है, लेकिन कुरान की हिफाजत के पहलू से, कुरान की अहमियत कायम रखने के पहलू से हुजूर ने, आप देख लीजिए ये चीज ऑन द रिकॉर्ड है, ये अनडिनाइबल फैक्ट है, हुजूर ने कुरान मजीद के अलावा कोई सहीफा मुरतब नहीं किया, कुछ देके नहीं गए हुजूर, कुछ नहीं लिखवाया, कोई एहतमाम नहीं किया, कुछ किया तो लोगों ने अपनी मर्जी से किया, ज्यादा से ज्यादा हुजूर ने इजाजत दी, पहले तो उसको भी मना कर दिया था, लेकिन कोई अपनी तरफ से एहतमाम खत्म नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया है, ये बिल्कुल एस्टेब्लिश फैक्ट है। ना सिर्फ हुजूर ने बल्कि सहाबा इकराम ने भी ये काम नहीं किया, खासतौर पर खुलफाए राशिदीन जो दुनिया की सबसे बड़ी सोल सुपर पावर बन चुके थे अपने जमाने में, हजरत उमर के दौर तक, हम जानते हैं उन्होंने कुरान मजीद की हिफाजत के लिए क्या एहतमाम किए हैं, लेकिन खुलफाए राशिदीन ने, जिनमें से दो हुजूर के सुसर हैं और दो दामाद हैं, ये उनकी हैसियत है, हुजूर के इब्तदाई जमाने के साथी हैं, खुद भी बयान नहीं करते थे, हुजूर के अकवाल भी बयान नहीं करते थे, और कोई सहीफा मुरतब भी नहीं किया, हालांकि कर सकते थे, क्यों किया उन्होंने, कुरान मजीद के बिल मुकाबल कोई चीज ना आ जाए, कुरान मजीद की जो तन्हा हैसियत है, जो इसका स्टेटस है वो बरकरार है, इसलिए कि देखिए हुजूर करें या खुलफाए राशिदीन करें, इनका स्टेटस भी इंतहाई गैर मामूली है, ये लोग जो चीज इजमाई तौर पर दीन के तौर पर आगे मुंतकिल कर देते हैं वो दीन बन जाता है, ये सहाबा इकराम का स्टेटस है, वो कुरान मजीद ने उन्हें दे रखा है, दीन हक की शहादत जिस तरह हुजूर ने सहाबा पे दिए, सहाबा का ये मनसब था कि वो इंसानियत के ऊपर ही शहादत दें, तो उन्होंने इसकी बहुत एहतमाम किया है, बहुत एहतियात की है कि कुरान मजीद के अलावा अपने इजमा से उन्होंने कुछ भी मुंतकिल नहीं किया, इनफरादी तौर पर लोगों ने किया है तो ठीक है किया है, जाहिर है कि वो भी एक नेचुरल प्रोसेस था, लेकिन जो बड़े सहाबा थे उन्होंने तो इसमें भी बहुत एहतियात की है, यानी मैंने एक जमाने में हिसाब लगाया है, जो चार खुलफा राशिदीन हैं जो करीब तरीन हुजूर के लोग हैं, इनकी कुल रिवायात जो हमारे एक बड़े मशहूर सहाबी हजरत अबू हुरैरा,
उनकी रिवायात के मुकाबले में इंतहाई कम है, शायद उनकी 6-7 हजार हैं और इन लोगों की मिल मिला के शायद 1000-1200 के करीब लगभग एक जमाने में मैंने गिनी थी। ये क्यों किया? कुरान मजीद की वजह से किया कि कुरान मजीद का स्टेटस बरकरार रहे, उसकी अहमियत लोगों के ऊपर वाज़ेह रहे। तो ये समझ लेना चाहिए कुरान मजीद इन सब चीजों का, अब आप समझ लें मिला लें तो उसका नतीजा क्या निकलता है, कुरान मजीद की हिफाजत का इंतहाई भरपूर एहतमाम किया गया है, ऊपर शयातीन की दरअंदाजी से बचाया गया है, नीचे इंसानों की दरअंदाजी से बचाया गया। ये एग्जैक्टली हर्फ ब हर्फ लफ्ज ब लफ्ज वही है जो नाजिल हुआ है। और जिस वक्त आप कुरान खोलते हैं पहली बात आपको यही बताई जाती है, ला रई बफी, इसके किताब इलाही होने में कोई शक नहीं है। देखिए यही चीज कयामत के दिन हुज्जत बनेगी मेरे और आपके खिलाफ, मरवाएगी हमें ये चीज, ये हकीकत मरवाएगी, इसका ना समझना हमें मरवा देगा। क्यों मरवाएगा? इसलिए कि हम कुरान को सीरियसली लेते ही नहीं, हम समझते हैं कोई मामूली बात, ये खुदा बोल रहा है। अल्लाह ताला शुरू गुफ्तगू इसे करेंगे कयामत के दिन, तुम्हारे पास कुरान मजीद था, ला रे बफी, उसके कलाम इलाही होने में कोई शक नहीं था। जिस तरह आज मैं हशर के दिन तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं, मैंने इसी तरह तुमसे दुनिया में गुफ्तगू की थी, तुमने उस किताब को उठा के कमर के पीछे फेंक दिया। तुम कभी पढ़ते नहीं थे, पढ़ते थे तो समझते नहीं थे, समझते थे तो अमल करने के लिए तैयार नहीं होते थे। और कोई इसको अगर मसला भी बनाता था, पढ़ता भी था समझता भी था, तो उसके मुकाबले में 10 चीजें तुमने उठा के रखी हुई थी, और इधर कोई दूसरी बात आती कुरान को तुम पीछे रख देते थे। तो कुरान मजीद है सब कुछ, कुछ भी आप समझेंगे कुरान मजीद की रोशनी में समझेंगे। कुरान मजीद का ये स्टेचर है, ये उसकी हैसियत है। जिस तरह खुदा सबसे बुलंद वाला है, ये खुदा ही की सिफत कलाम का जहूर हो रहा है, खुदा बोल रहा है। तो इसको समझ लीजिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। जिस तरह रोज हशर अल्लाह ताला कलाम करेंगे और किसी की मजाल नहीं है कि कोई बोल सके, यही स्टेटस आज भी कुरान मजीद को हासिल है। और कुरान मजीद देने वाले ने कुरान मजीद में इसकी हैसियत बयान की, और इसके अलावा किसी और चीज की हैसियत बयान नहीं की, इसको अच्छी तरह समझ लें। दूसरी बात जो उसने कही गई है, हुदल लिल मुत्तकी। देखिए यहां पर हिदायत जिस मफहूम में, यह भी समझ लें, बड़ी गैर मामूली बात है। हुदल लिल नास नहीं कहा, जब अल्लाह ताला हुदल लिल नास कहते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि इंसानों को रास्ता दिखाता है, रहनुमा है उनका। लेकिन जिस वक्त वो हुदल लिल मुत्तकीन कहते हैं तो मफहूम बदल जाता है, हिदायत का मफहूम बदल जाता है। अब मतलब ये नहीं कि रास्ता दिखाता है, मतलब ये होता है कि उन्हें मंजिल पे पहुंचाता है। हिदायत एक होती है कि आप किसी को रास्ता दिखाएं, एक ये होती है कि आप किसी को कहें मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम्हारी मंजिल पर तुम्हें पहुंचा देता हूं। यहां इस दूसरे मफहूम में, और ये वही बात है जो सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान किया, इन लजीना आमनु व अमिलुस्सालिहात यहदीहिम रब्बुहुम बीईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिम अलअनहारु फी जन्नात नईम। जो ऐसे जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने आमाल सालेह किए, अल्लाह उनकी रहनुमाई करेगा उनकी मंजिल तक। वो मंजिल क्या है? इनके ईमान की वजह से उनकी मंजिल तक उन्हें पहुंचाएगा। वो मंजिल क्या है? तजरी मिन तहतिहिम अलअनहारु फी जन्नात नईम, नेमतों के वो बाग जिनमें उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, यानी इन बागों में पहुंचा देंगे अल्लाह ताला, उंगली पकड़ के पहुंचाएंगे। तो ये मतलब है कुरान मजीद को। ये कैसे होता है? ये इस ऐसे होता है कि जब आप कुरान मजीद के अहकाम पे अमल करेंगे तो जन्नत गारंटीड है। कुरान का मतलब इंसान कोर्स यही है। मैंने उन मुकामात का इंतखाब किया है कि जिन मुकामात के बारे में कुरान मजीद किसी ना किसी तरह उनके खात्मे पर बता देता है कि इसके नतीजे में तुम्हें जन्नत मिलेगी, तो अल्लाह ताला का ये वादा है, वो अपने वादे से नहीं फिर सकते, वो अपने वादे के कभी खिलाफ नहीं करते, कैसे मुमकिन है? तो कुरान मजीद के इन अहकाम पर जिस वक्त आप अमल करेंगे तो ये आपको जन्नत में पहुंचा देगा। यानी ये जो पहला मुकाम हम पढ़ेंगे, देखिए उसके जो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह से शुरू हो रहा है, वो खत्म कहां पर हो रहा है? उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से राह रास्त पे हैं, और यही वो लोग हैं जो आखिरत की फला पाने वाले, गारंटी कर दी अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करते, आप अमल करें जन्नत गारंटीड है। और फिर अमल क्या करें? तो कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ये हिदायत किस तरह की है? सूरह बकरा में अल्लाह ताला कहते हैं, शाहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िरा फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, और कुरान क्या है? हुदल लिन्नास, इंसानियत के लिए रास्ता दिखाता है। लेकिन रास्ता कैसे दिखाता है? बय्यिनातिन मिनल हुदा, डे लाइट की तरह रोशन, बिल्कुल वाजे, बिल्कुल वाजे हिदायत है। यानी हिदायत ऐसी है जिस तरह दिन की रोशनी में आप खड़े हों तो आपको पता चलेगा ये सड़क है, ये दरख्त है, ये जनाब गाड़ी जा रही है, ये घर भरा हुआ है, आप हर चीज बिल्कुल वाजे होती है।
اسی طریقے سے قرآن مجید کی ہدایت بالکل واضح ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کی عبادت کرو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ اپنے غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں، یہ انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان باتوں کو سمجھنا کیا مشکل ہے؟ یعنی بالکل دو دو چار کی طرح واضح بات کہہ رہے ہیں، غصے کو پی جاؤ، انسانوں کو معاف کر دو، یہ اعلیٰ ترین جنتی ہونے کا راستہ ہے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تنہا ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کس کی پرستش نہ کرو. اس سے زیادہ صاف احکام کیا دیے جائیں گے؟ کھول کھول کے بتا رہے ہیں اور اتنا دہراتے ہیں، اتنی ریپیٹیشن کرتے ہیں کہ احمق سے احمق آدمی بھی سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. یہ ہے اس بات کا مطلب بینات من الہدا، کھول کھول کے. اس میں ایک بات اور بھی ہے فرقان، لیکن اس کی وضاحت میں آگے کروں گا. پھر اسی بات کو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، کہ اللہ کا شکر ہے، قابل تعریف ہے وہ رب جس نے اپنے بندے کے اوپر یہ کلام نازل کیا، یہ کتاب نازل کی، اور اس میں کوئی ٹیڑ نہیں رکھی قیم، اور یہ بالکل ٹھیک اور سیدھی بات بتاتی ہے، بالکل واضح، کوئی ٹیڑ نہیں ہے، بالکل کلیئر بات ہے. یعنی آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید ایک مقام پہ تو کہہ رہا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، ان کا حسن سلوک کرو، دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کرو. نہیں، بالکل بتا دیا جائے گا، کہیں منع کیا جائے گا تو بتا دیا جائے گا کہ نہیں، شرک میں مت کرنا، ویسے تو حسن سلوک کرو، بس ان کی شرک میں پیروی نہ کرنا. تو اتنی وضاحت سے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی قرآن مجید کا سیاق و سباق بھی ہوتا ہے، ایک جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ وضاحت بھی ہوتی ہے، تشریح بھی ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں کوئی کنفیوژن نہیں رہ سکتی. یعنی قرآن مجید کو آپ بہت گہرائی میں سمجھیں گے تو اس میں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن ہدایت کا وہ پہلو جس کا تعلق ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، وہ تو ڈے لائٹ کی طرح بالکل کلیئر ہے، بالکل ڈے لائٹ کی طرح کلیئر ہے. تو قرآن مجید کی ہدایت کا یہ پہلو ہے. تو یہ پہلی چیز تھی جو سورہ بقرہ کی آیت کی روشنی میں میں نے بات بیان کی. اب تھوڑی سی چیزیں اور سمجھ لیجئے، قرآن مجید کا فردر کیا اسٹیٹس اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جو کہ دیگر چیزوں کے حوالے سے. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے الحق ہے، یہ قول فیصل ہے، یہ ڈیسائسو ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے نازل کیا تم پر یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ، اور اس کا مصداق جو اس کے آگے ہے، یعنی جو پچھلی کتابیں ہیں وہ تائید کرتی ہیں، پیشگوئیاں کرتی ہیں کہ وہ کلام آنے والا، قرآن مجید آ کے ان پیشگوئیوں کو سچا ثابت کر دیتا ہے. تو قرآن مجید اصل میں کیا کر رہا ہے؟ قول فیصل. قول فیصل کیوں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اس کا سورہ بقرہ میں آیت 213 میں اس کا ریزن بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب انسانیت کا آغاز ہوا تو سب ایک ہی تھے، کان الناس امت واحدہ، یعنی سب لوگ ایک ہی طریقے پہ تھے حضرت آدم کے بعد سے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے. یعنی لوگ تو ہوتے ہیں نا، اپنی گمراہیاں ایجاد کرتے ہیں، دین میں اضافے کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجنا شروع کیے جو خوشخبری دیتے تھے اور انتظار کرتے تھے. وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان نبیوں کے ہمراہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری، کتاب الہی اتاری، اپنا کلام اتارا. کیوں اتارا؟ قول فیصل کے ساتھ، یعنی فیصلہ کن طریقے پہ. کرتا کیا ہے وہ الحق؟ کرتا کیا ہے؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، کہ لوگ جن چیزوں میں اختلاف کرنے لگتے ہیں ان میں وہ ان کا فیصلہ کر دے. دیکھیے، لوگ کے اختلاف کرتے ہیں، دین میں اضافے کر لیتے ہیں، ایمانیت میں اضافے کر لیتے ہیں. تو اصل پرابلم تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی اور منشا ہے اس کے برعکس وہ اپنی خواہشات، اپنی بدعت کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں. تو قرآن مجید اس سے پہلے کی بھی جو کتابیں آتی تھیں وہ یہی کام کرتی تھی کہ جو صحیح چیز ہے اس کو وہ اس کی جگہ پہ رکھتی تھیں، اور جو بدعتیں ہیں، جو اضافے ہیں، ان کو اٹھا کے پھینک دیتی ہیں. تو یہی قرآن مجید کا اسٹیٹس ہے، یہی دوسری چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے. کوئی قرآن مجید پہ حاکم نہیں ہے، کوئی قرآن مجید کا فیصلہ نہیں کر سکتا. قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے. فردر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے پہلو سے الیبوریٹ کیا. یہ تو ایک پہلو تو یہ تھا کہ یہ حق و باطل کا فیصلہ کرتا ہے، اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے. دوسرا پہلو کیا ہے اس الحق ہونے کا؟ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہستی ہے
जिसने किताब को नाजिल किया कौले फैसल के साथ, यानी मीजान की शक्ल में, यानी तराजू की शक्ल में। तराजू का काम क्या होता है? वो असल में दूसरी चीजों का वेट बताता है, कौन सी चीज तोला है, कौन सी चीज माशा है, कौन सी मन है, कौन सी सेर है। तो मजहब के नाम पर जो कुछ भी पेश किया जाता है, आप उसको कुरान मजीद पर रखिए और उसका वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसकी हैसियत है या नहीं, उसका कोई किरदार है या नहीं, दीन में उसकी क्या हैसियत है, दीन में उसका क्या किरदार है, दीन में उसका क्या रोल है, दीन में उसकी क्या अहमियत है। ये सब चीज आपको कुरान मजीद बताएगा। फिर कुरान मजीद का अगला स्टेटस क्या है? तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरकाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। बड़ी फैज रसा है वो हस्ती जिसने अपने बंदे पर फुरकान नाजिल की। फुरकान क्या होती है? हक और बातिल को वाजे करने के लिए कसौटी। देखिए ना, कौन सी चीज पीतल है, कौन सी चीज सोना है। पीतल के ऊपर भी मलम्मा कारी करके सोना बना के पेश किया जा सकता है, जाली नोट भी चलाए जा सकते हैं, लेकिन ये कुरान मजीद है जो एक फुरकान का रोल प्ले करता है। और ये फुरकान क्या बताती है कि क्या चीज असल दीन है और क्या चीज नहीं, क्या मतलूब है और क्या नहीं है। तो ये कुरान मजीद की एक और हैसियत है। अच्छा, किसी और चीज की मैं बार बार दोहरा रहा हूं, कुरान के अलावा किसी चीज की कोई हैसियत नहीं है। और बाकी चीजों के मुकाबले में कुरान मजीद की हैसियत क्या, आखिर में उसको समझ लीजिए। कुरान मजीद ने जो कुरान से पहले सबसे बड़ी चीज मौजूद थी वो तौरात थी, उसके हवाले से देखें अल्लाह ताला क्या कहते हैं। वा अनज़लना इलैकल किताबा बिल हक मुसद्दिकल लिमा बैने यदैहि मिनल किताब मुहीमनन अलैह, कि अल्लाह ने हमने तुम्हारी तरफ ये किताब नाजिल की है कौले फैसल के साथ, जो उसका मिसदाक है, यानी उस खुशखबरी जो तौरात में मौजूद थी उसको सच्चा इसने साबित किया है। और क्या है? मुहीमनन अलैह, ये उसके ऊपर निगरान है, यानी तौरात में क्या ठीक है क्या नहीं है इसका फैसला कुरान मजीद करेगा। मजहब की रिवायत में जो कुछ भी है कुरान मजीद उसकी निगरानी करता है, क्योंकि मजहब के नाम पर बहुत कुछ है, हुजूर के नाम पर बहुत कुछ है। तो हम रखे देखेंगे कुरान मजीद पर कि हुजूर ये बात कह सकते हैं या नहीं कह सकते, इसलिए कि देखिए ये कुरान मजीद है जो हुजूर की निस्बत से लारे वफी के मुकाम पर, इसमें कोई शक नहीं कि ये अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का ये कौल है, इसमें कोई शक नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का कलाम है, इसमें कोई मामूली सा शक भी नहीं। लेकिन किसी और चीज के मुतालिक ये बात नहीं कही जा सकती। तो असल मसला ही हुजूर से निस्बत एस्टैब्लिश हो रही है या नहीं हो रही, कुरान की 100% होती है, 100% होती है। तो इसी बुनियाद पर हम हर चीज, चाहे कुरान से पहले हो चाहे कुरान के बाद हो, कुरान की रोशनी में समझेंगे। ये कुरान का स्टेटस है, ये इसका मुकाम और मर्तबा। और आखिरी बात आज की ये समझ लीजिए कि कयामत के दिन जो मुकदमा पेश किया जाएगा, जो अल्लाह ताला के हुजूर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे, देखिए वो भी इसी किताब के हवाले से होगा। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला कहते हैं, वकाल रसूल या रब इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। परवरदिगार, रसूल कहेंगे कयामत के दिन, परवरदिगार ये मेरी कौम है, इसने इस किताब को, इस कुरान को किताब महजूर बना दिया था, उठा के फेंक दिया था, अपनी कमर के पीछे फेंक दिया था। तो ये काम पहली दफा तो कुफारे मक्का ने किया था, असल में ज़ेरे बहस वही लोग हैं, लेकिन मेरा और आपका रवैया क्या मुख्तलिफ है? ये हमारे लिए मुकाम फिक्र है। और अगर यही रवैया है, कुरान मजीद को हम किसी भी वजह से उठा के फेंक रहे हैं, यानी पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, अमल नहीं करते, या कुरान के मुकाबले में किसी और चीज को तरजीह देते हैं, कुरान के ऊपर हाकिम बना देते हैं, इन सारी चीजों का मतलब एक ही है कि हम कुरान को उठा के फेंक रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खिलाफ केस करेंगे। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है, हुजूर की निस्बत से सबसे बड़ी चीज यही मौजूद है। तो खुदा रा कुरान मजीद की इस अहमियत को महसूस करें, और ये बात अगर समझ में आ जाए तो उसके बाद फिर अब जो कुछ हम कुरान का मतलूब इंसान में पढ़ने जाएंगे तो उसकी हैसियत आपके ऊपर वाजे रहेगी कि वो दरअसल अल्लाह का मतलूब है। और उसके नतीजे में अगर कुरान मजीद जन्नत गारंटी कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये उस हस्ती का वादा है जो अपने वादे के खिलाफ नहीं करती। वो आखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।